खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। वर्ण सकै महिमा जे तुहारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लेहो तुम कथा सुधारी, हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी। आप लेहो तुम कथा सुधारी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। जब जरिया तब होए भस्म दाना, रह किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई। जब जरिया तब होए भस्म दाना, रह किरम दल खाई। काची गागर नीर परत है, या तन की यह बड़ाई। काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्द मुख रहता, सो दिन कैसे भूलिया। रहाऊ ज्यो मद माखी त्यो सठोर रस, जोर जोर तन किया। मरती बार लेहो लेहो करिया, भूत रहन क्यों दिया। देहुरी लो बरी नार संग पही, आगै सज्जन सुहेला। मरकट लो सब लोग कुटंब भयो, आगै हंस अकेला। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, परे काल ग्रास कुआ। झूठी माया आप बंधाया, ज्यों नलनी भ्रम सुआ। कहत कबीर सुनो रे प्राणी, परे काल ग्रास कुआ। झूठी माया आप बंधाया, ज्यों नलनी भ्रम सुआ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दीन दुनिया दे वाली परम कृपालू सतगुरु, खंडा ब्रह्मंडा दे मालक, पतत पावन भगत वशल, कृपा दे खजाने, दसा ही पातशाहियां दे आत्मक सरूप, धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, तिन्हां दी प्यारी साजी नवाजी गुरु रूप खालसा साध संगत जी, वडभागे हाँ जिन्हां नूं गुरु की पावन संगत दीआं घड़ियां प्राप्त होईआं हन। धन कृपालू सतगुरु साहिब, हर रोज़ गुरदेव सानू अनेक विधियां अनेक तरीकियां दे नाल समझा करके इस संसार समुद्र तों सुखाला रस्ता प्रदान करदे हन, जिस द्वारा हर
प्राणा तारी जीव की मुक्ति हो सके। आप हर रोज़ आण करके अरजोई करते हाँ, धन गुरदेव सतगुरु जीओ आप जी बख्शिश करो, रहमत करो, कोई अजिहा ढंग दसो जिस ढंग द्वारा साडा जिहड़ा मोह संसार नाल बनिया होया है ये टुट जावे। कारण है गुरदेव जी, ये मन वार वार इस संसार दे लोभ लालच विच खचत हो करके पुनः पुनः इन्हां पदार्थां दे विच चित नूं लाउणा करदा है, जिस करके असीं इस निर्णय ते पहुंचे हाँ कि इह संसार समुंदर तों पार होना सुखाला नहीं है। धन सतगुरु साहिब जी, वार वार अजिहियां बेनतियां श्रवण करके काले नहीं पैंदे, सगों होर प्रेम द्वारा साडे ते बख्शिश करदे हन। अज दे दिहाड़े भी जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तों पावन अपार बख्शिश गुरदेव जी ने कीती है, तन तन सतगुरु साहिब जी दे प्यारे भगत भगत कबीर जी दी रसना द्वारा अज साडे ते दयालता कर रहे हन। कुछ सखियां संबंधियां ने जिहड़े प्रेम वाले हन, भगत जी नाल जिहड़े प्रेम करदे सन, उन्होंने आण के बेनती कीती है कि भगत जी ये जिहड़ा शरीर है इहदी वड्याई की है। असल ये शरीर नूं पपौरन दा असीं जतन करदे हाँ, ये शरीर नूं बचाई रखण दा जतन करदे हाँ। आप कृपा करो, तुसीं परमेशर दे प्यारे भगत हो, तुसीं कृपा करके दसो कि ये शरीर जिहड़ा है किन्ने क गुण वाला है, की इहदी वड्याई है। जे असीं भला ये शरीर सांभ के रख छड़िए, शरीर नूं बचाई जाइए, तो ये शरीर दे द्वारा सानू की प्राप्त होवेगा। उन्हां दी बेनती सरवण करके जो उपदेश दिता वह धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी ने अज दे दिहाड़े सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी तो सानू हुक्मनामे रूप विच बख्शिश कीती है। आओ जो दयालु जी कृपा कर रहे हैं, मन चित बिरतियां नूं एकागर करके सरवण करिए जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जब जरिया तब होए भस्म तन। सो की पुछना चाहते हो कि ये शरीर की है? तो भगत कबीर जी कहिंदे भाई वखो वखरी मर्यादा है संसार की। कोई ये शरीर के नास होने ते जिस समय प्राणा की डोरी टुट जाती है, जदों सवास बंद हो गए, ये शरीर की अपनी होंद ते कोई नहीं है। ये शरीर की होंद की है कि ये अंदर प्राण सवास चल रहे हैं। जितना चिर सवास चल रहे हैं उतना चिर यदी अवस्था बनी हुई है कि बड़ा फुलावट दे सहत रहिंदा है, बड़ा फुलिया रहिंदा है, माविया नहीं जाता किसी के पासों, अपना आप दिखाउण दा जतन करदा, कहिंदा मेरे नालों वड्डा कोई नहीं। ताइयों अज दा फरमान की है, काहे पहिया फिर तो फुलिया फुलिया। सो अज बख्शिश यही कर रहे हन, कहिंदे भाई की सुनना चाहुंदा, ये उन्ने दिनां तक है जिन्ना तिर सवासां दी डोरी चल रही है। जदों सवासां दी डोरी टुट गई ते किसे दी मर्यादा है साड़न दी, किसे दी मर्यादा है कि वह जल प्रवाह करता है, कोई दफना देता है। केंद्र जिन्होंने साड़ दिता, जब जरी है तब होए भस्म तन। जदों साड़ दिता तो ओड़क सवा ही रह गई, मगर कख भी ना बचिया। जेदा बड़ा कदी माण करता सी, कुछ भी ना बाकी रहा, केवल सवा ही पले पई जी। किरम दल खाई, केंद्र जिन्होंने भाई दबा दफना दिता धरती दे विच, उस शरीर दे अंदरों परमेश्वर ने आपे ही कृपा करके कर्म कीड़े जेड़े पैदा कर दते, उन्हां कीड़ियां द्वारा उन्हां कर्मां द्वारा उस शरीर का अंत नास हो गया। ओड़क मिट्टी का रूप ही धारण कर गए, वह उतना समा ही उस शरीर च कीड़े रहे जिन्ना चिर यह चर्बी वाधू बची रही। जदों सारी चर्बी नास हो गई उन्हां दा भी नाल ही अंत हो गया। ये परमेश्वर वाहिगुरु की वेख कला जिहड़ा सड़ गया है उसनू भी सवाह दे विच, जिन्हू भगतां ने बड़े सुंदर तरीके नाल समझाया सी। कोई खाक की निंदिया कर रहा सी धूड़ की,
ते भगत परमेश्वर दे प्यारे लागे आ गए, कहन लगे भाई धूड़ दी निंदिया ना करिया कर। क्यों जी क्यों ना करा, कहिंदे फरीदा खाक ना निंदी है, खाकू जेड़ ना कोए, जीव दिया प्यारा तले मोया उपर होए। कहन लगे दी निंदिया ना कर, जेड़ी जींदी है जी तेरे पैरां थले है, जिस दिन मर गया मो गया उसे दिन इसने तेरे उपर आ जाना, इस करके ये निंदिया करन दा विशा नहीं है। इवें ही महाराज भगत कबीर जी साहिब कबीर जी इत्थे बख्शिश कर रहे हैं, जब जरिए तब होए भस्म तन रह किरम दल खाई, जिन्हां दफना दिता उन्हां नूं किरम खा गए जी। काजी गागर नीर परत है, नहीं जी साडे मर्यादा है, दूसरे आ गए असीं जल प्रवाह करदे हाँ। कहिंदे फिर भाई जिवें कच्चा घड़ा कच्ची गागर मिट्टी दी जिहड़ी है वह पानी चरोड़ दईए तो ओड़क पानी विच ही वह मिल जाती है, मिट्टी जिहड़ी है गल जाती है। इवें ही ये शरीर मिट्टी दी ने आए, मिट्टी का ही बनिया होया, पानी विच रहने ते गर करके उहदे विच ही समा जाएगा। इहदी अवस्था जिवें गागर कच्चे घड़े च पानी भर जाता है, इवें इहदे च पानी भर जाएगा, ये नाश हो जाएगी, इहो ही इहदी सो समझ लैणा करिए। ये काची गागर नीर पड़त है, यह तन की यह बड़ाई, ये तन की एहो ही वड्याई, एहो कोजी जी आ शरीर की बनावत एहो कोजी है। अखीर इहदी जिहड़ी अवस्था इस चीज़ नूं प्राप्त हो सकदा, इस तों परे कख नहीं कर सकदा। हाँ जे सवासां नूं धारण करके नाम सिमरन अभ्यास प्रेमा भगती कीती है, शरीर सफल किन्ना दा है, जिन्हां ने यह शरीर नूं एक सरां दी तरह जाण करके वरत्या है कि इत्थे सदीवी नहीं आए हुए हाँ, आए हाँ कार्ज वास्ते। जिवें कोई शाहूकार किसी शहर विच जा करके सरां च वासा करता है, पर उहदा प्रयोजन यह है कि उत्थों कुछ ना कुछ वह वस्तु प्राप्त करके जिहदे द्वारा उहनूं लाहा प्राप्त हो सके अपने देश विच जा करके। दूसरे मुल्क च गया, सरां बुक कीती है, रहा है, उत्थे लाहा प्राप्त करन वाली वस्तु जिहड़ी वह विहाजना कीती खरीदना कीती उहनूं लै करके अपने देश पहुंचिया, अपने देश जा करके उहदा बहुता मुल वट लिया तां तां फायदा है, पर जे जा करके सरां च सौं करके वापस मुड़ आया तां कोई फायदा नहीं प्राप्त होवेगा। की होवेगा, जिहड़ा नाल लै करके धन गया सी उह वी भाई गवा के वापस मुड़ आवेगा। एवें जिहड़े परमेश्वर वाहिगुरू दे प्यारे हन उहनां ने इह शरीर नूं नाशवंत जाण करके जिहड़ी सवासां रूपी पूंजी सी उत्थे शाहूकार धन लै करके गया है। इत्थे जितने भी प्राणाधारी जीव हाँ सारे परमेश्वर वाहिगुरु जी दे पासों ये सवासा रूपी धन लै करके आए हाँ। जे सवासा रूपी धन लै करके इस देश दे विच जिथों सानू गुरबाणी वार वार समझाउंदी है सभना सोहरे वंजना सब मुकलावन हार, हे भाई ये जिहड़ा तेरा पेका घर है ना मात लोक, इस नूं छड करके तेनू सहुरे कर जाना पवेगा। वेख वस्त विहाजन वास्ते आया है, तेनू चाहिदा है ये सवासा रूपी पूंजी दे बदले परमेश्वर वाहिगुरु का जिहड़ा नाम धन है ना जिहड़ी दुर्लभ वस्तु है उसनू प्राप्त कर लै। जे उसनू प्राप्त कर लवेगा तो फिर तेरे ते बख्शिश हो जाएगी, फिर तेनू ये अवस्था प्राप्त हो जाएगी कि जिह मार्ग के गणे जाहे न कोसा हर का नाम ऊहा संग तोसा, जिह पैडे महाअंध गुबारा हर का नाम ते संग उजियारा, जहाँ पंथ तेरा को नाशी आनू हर का नाम तहनाल पहचानू। सो ये अवस्था प्राप्त करने वास्ते तेनू ये सवासा रूपी पूंजी जिहड़ी है धन जिहड़ा है वह चंगे पासे खर्चना पवेगा। जे नहीं खर्चिया, जे शरीर नू पपोरन ते इहनू पालन ते इनू ही थम्मिया देंदा रहा तो फिर कहिंदे इहदी वड्याई तो इहो ही है, जे सड़ेगा तो भस्म होवेगा, जे दफना दिता गया तो फिर भाई कीड़े खा जाणगे,
जे इनू पानी दे विच सुट दिता ते गर जावेगा, एहो ही एदी वड़ियाई है मिट कच्चे भांडे की तरह जे। या तन की एह बड़ाई, एहो ही एदी वड़ियाई, एहो ही एदी अवस्था है। काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, बख्शिश करदे ने कहिंदे भाई कादे कादे वास्ते फुल की तरह फुलिया होया है, जिवें फुल फुले होंदे ने इवें कादे लई फुलिया फिरदा है। बहुती फलावट विच जिहड़ा दीवे दी बत्ती ते बलदा उहनूं वी फुल ही कहिंदे ने ना, कहिंदे वेख ला फुलिया उह वी बड़ा हुंदा जिन्ना चिर अग्नि जल रही हुंदी है, पर ओड़क काली सवाह ही रह जांदी है पल्ले। इवें ही कादे लई भाई फलावट विच तुरिया फिरदा है। जपदा समास उर्द मुख रहता, कहिंदे चेते कर जदों दस महीने माता दे गर्भ दे विच पुठा लमक रिहा सैं, जदों परमेश्वर वाहिगुरु दे अगे अरदासां अरजोईयां करदा सैं कि हे परमेश्वर वाहिगुरु एक वार इस जठरा अग्नि जिथे बहुती बढ़ रही है इत्थे पए हुए दुखां दे विचों मैनूं कढ़णा कर, मैं तेरी कृपा सदका हर रोज़ अपने जीवन का दसवंध तेरे भेटा करांगा। सो मैं इस तरीके दे नाल अपने स्वासां विच्चों दसवां हिस्सा तेरे नाम ला करके तेरी बंदगी जरूर करिया करांगा। होर महाराज मैं हर वेले सिमरन विच वी विच ही जुड़िया रहांगा, पर एक वारी कृपा कर तू इत्थों मैनूं कढ़ लैणा कर। तां महाराज कह रहे ने काहे भैया फिर तो फूलिया फूलिया, जब दस मास उर्द मुख रहता, जदों दस महीनिया तक सो पुठे मूह लमक रहा से। सो दिन कैसे भूलिया, कहिंदे भाई वह जिहड़ा दिन दिहाड़ा तेनू किस तरीके ना भुल गया, नहीं सी भुलना चाहीदा, तेनू चेते रखना चाहीदा सी वह दिन, तेनू चेते होना चाहीदा सी कि जे इस देही नू पा करके मैं परमेश्वर वाहिगुरु की सिमरन भगती ना कीती ते वो अवस्था दोबारा भी आ सकती, मैं उसे गेड़ विच दोबारा पै जावांगा। इस करके महाराज कहिंदे वो दिन तेनू भुलना नहीं चाहीदा से, विश्राम दे के बख्शिश करदे ने भाई चेते रखिया कर। मधमाखी त्यों सठोर रस, सो महाराज जी मैं बहुता धन एकत्र कर लवां भला मैं नाम ना ही जपां, ठीक है तुसीं कही जांदे जे जे मैं बहुता धन प्राप्त कर लवां बहुता धन एकत्र कर लवां फिर की होवेगा, तां प्रमाण दे करके साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज साडे ते बख्शिश करदे ने। सठोर सठ ओर, सठ नाम हुंदा है मूर्ख दा, और हिरदे करके कहन लगे हिरदे दे मूर्खा बस समझा तेनू असीं दसदे आं ज्यों मध माखी तो सठोर रस, जिहड़ा हिरदे दे कपट करके अनेकां तरीकियां दे नाल धन एकत्र करना। कहिंदे वेख जिहड़ियां मधुमक्खियां ने कहिंदे बड़े तरीकियां दे नाल ओह शहद इकट्ठा करदियां ने खग्गे दे विच, पर जिस समय ओह शहद नूं प्राप्त करन वाले आउंदे ने धूणी ता करके धूआं ही धूआं कर दिंदे ने, उहनां दीआं अक्खां च धूआं पैंदा है पासे हो जांदियां सारा ही शहद निचोड़ करके लै जांदे ने। एवें कहिंदे हे और हिरदे दे बसमझा तेनू चेते होना चाहीदा है कि ये जिहड़ा धन तू प्राप्त कर रहा ये सदीवी रहण वाला नहीं, बख्शिश करदे हन अगे। जोर जोर धन किया, कहिंदे जोड़ जोड़ करके बहुता धन प्राप्त कर लिया, बड़े गंज जोड़ लैणा कीते, बड़े बैंक बैलेंस वध गए तेरे। मरती बार लेहो लेहो करिया, कहिंदे जदों मर गया भाई उदों सारे कहिंदे आ मरन दा वेला आ, सारे कहिंदे लै लवो प्राप्त कर लवो, जिवें इत्थे उत्थे सी उहनां ने शिकारियां ने धूआं बालिया, इत्थे तेरे अपने ही शिकारी बन गए जिन्हां दे नाल बहुता नेह मोह सी, तेनू अनेकां तरीकियां दे नाल समझाउण दा यतन कीता सी कि बहु परपंच कर पर धन लियावै सुत दारा पह आण लटावै, मन मेरे भूले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पहली च। बड़े अनेकां यतन कीते, बड़े कपट छल कीते पराया धन एकत्र करन वास्ते, मधुमक्खियां दी न्याई महाराज कहिंदे तेरा जीवन है, पर सच जाणी जिवें उन्हां नूं शायद प्राप्त नहीं होया, उन्हां जतन तो इहो ही कीता ना कि पहलां एकत्र कर लईए फिर इहनूं खावांगियां, पर जिवें उन्हां नूं प्राप्त नहीं होया शायद निचोड़न वाले शायद निचोड़ करके लै गए, चेते रखी
जदों काल रूपी धूनी बली ना, जदों मौत रूपी धूआं लग्या, सजना पल्ले तेरे भी ये धन जिहड़ा जोड़ रहा है, हठ करके मूर्ख हो करके समझ हो करके कहिंदे तेरे पल्ले ये पैना नहीं, प्राप्त नहीं होना तेनूं। ये ते जिहड़े भाई तेरे बड़े सज्जन प्रेमी हन, उन्होंने उस समय तेरे पासों प्राप्त करन दे हरे अनेक तरीकियां दे जतन करने हन। इत्थों तक इत्थे ते भाई वड्डे वड्डे महात्मा महापुरखां दे संस्कार बाद विच कीते गए, पहलां उन्हां दे धन जिहड़े हन उन्हां नूं पासे करके उन्हां दीआं जायदादां दा वेरवा जिहड़ा है उह चेलियां ने पहलां सांभिया, शरीरां दी सांभ संभाल बाद विच। ते मन च विचार आ जावेगे महाराज जी ठीक है, पर ये मेरे अपने सज्जन पुत्र ने मेरे नाल नेह करदे हन। कहिंदे नहीं, मरती बार लेहो लेहो करिए, कहिंदे सज्जना जदों मर गया ना उदों कहिंदे लै जावो हुण घर दे विच इहनू बहुता चिर ना रख। कहिंदे कादे लई इहनू रखिया होया, क्यों नहीं, क्यों कहिंदे हन लै जावो जी, भूत रहन क्यों दिया, कहिण लगे इह भूत नूं कादे लई घर च रखिया होया है। धियां पुत्तर जिन्हां नाल बड़ा मोह करदा सा, पोतरियां पोते, उह वी कहिण लगे बापू भूत लगदा, डर लगदा है सानूं बापू दे लागे जाण नूं, साडा जी नहीं करदा, हुण साडा दादी दे पास बैण नूं जी नहीं करदा, इहनूं लै जावो इत्थे बहुता चिर ना रखो, इनू छेती तो छेती कढ देना करो जी। देहुरे लौ बरे नार संग पए। सो अगला सवाल कर दिता इस सो प्रेमी ने, कहन लगा भगत जी ठीक है न्याणे मेरे माया खोणगे ठीक है, पर मेरी जिहड़ी धर्म पत्नी घरवाली है वह तो मेरे नाल प्रेम च रहेगी ना, मेरा शरीर जे नाश भी हो जाएगा तो वह नेह ते करेगी ना। कहन लगे भाई बहुता किसी ते माण ना करिया कर, एवें ना बहुता अपने मन च ये सुभा बना लैना कर कि वह मेरा जरूर मेरे नाल प्रेम भावना दे सहत रहेगी। कहिंदे नहीं, उहदा संबंध ते सजना तेरे नाल केवल ते केवल तेरे घर दी दहलीज तक है, ड्योड़ी तक आउंदी है, ये हिंदुस्तान दी मर्यादा है, रवाज है, गुरसिखां विच पंजाब विच ये मर्यादा प्रचलित नहीं है। सो हिंदुस्तानियां दी मर्यादा ये है कि भाई जिहड़ी धर्म पत्नी है ना वह दरवाजे तक केवल शरीर दे नाल आ सकदी, दरवाजे तक जिहड़ा घर दा द्वार है उत्थे बैठ जांदी भी मेरा इत्थों तक ही तेरे नाल नाता सी, अगे भाई तू आपे जा, हुण अगे मैं तेरे नाल नहीं जा सकदी। सो धन सतगुरु साहब जी कृपा कर रहे ने, कहिंदे देहुरी लौ बरी नार संग पई, कहिंदे हाँ भाई जिन्ना बड़ा ज़्यादा प्रेम है ना तेरी सज्जन ताई जिहदा तू सोचदा है कि कदी वास्ते तेनू छड नहीं सकदी, कहिंदे वह ड्योड़ी तक तेरे नाल जरूर आवे। अवस्था की बनी हुई है, घर की नार बहुत हित जास्यो, रहत सदा अंग लागी, जब ही हंस तजी एह काया, प्रेत प्रेत कर भागी। जदों ये शरीर छड दिता, जदों ये हंस अडारी मार गया, चेतन सता अडारी मार गई शरीर विच्चों, उस समय उसनू भी तू प्रेत लगन लग पिया। प्रेत जिवें साहिब सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे समय की कथा आउंदी है, एक गुरमुख प्रेमी सतगुरु साहब जी दे पास श्री आनंदपुर साहब जी की पावन धरती ते संगत विच आया करे। सो नवा नवा इसका विवाह होया सी, कृपालू सतगुरु साहब जी दे पास रह करके प्रेमा भगती करनी, गुरदेव जी ने बचन किए, कहन लगे गुरसिखा नाम सिमरन अभ्यास विच होर समा दिया कर। कहन लगा महाराज जी बाकी सारियां गल्लां ठीक हन, पर इस तों वध समा नहीं दिता जाना, मैं अपनी धर्म पत्नी दे पास भी जाना हुंदा, वह मेरे बिना एक पल भी संसार ते रह नहीं सकदी। सतगुरु साहब जी कहिंदे चंगा पाए, ठीक है जिवें तैनूं ठीक लगे उवें कर। सो सतगुरु साहब जी की कृपा बख्शिश होई, ये गुरमुख योगा अभ्यासी हो गया नितनेमी, योगा अभ्यास करना, एक दिहाड़े अपने घर विच बैठा चौंकड़ा मार के अभ्यास कर रहा सी, श्वासां नूं चढ़ा करके, परिवार ने आण के वेख्या कि कोई हिलजुल नहीं हैगी शरीर विच, दसम द्वार विच कहिंदे श्वास टकाए हुए सन। उस समय परिवार ने आण करके जतन किया उठाउण दा, मन च विचार कीती लगदा चढ़ाई कर गया, हिलदा जुलदा नहीं। जिस समय ऐसी विचार कीती है
सो सारे सलाह करते ने हुण इस नूं बाहर कढ़ीए। जे समय बाहर कढ़न लगे तो चौंकड़ा मारिया होया सी ते दरवाजा जिहड़ा सी ओह थोड़ा जिहा तंग सी, उहदे चों बाहर कढ़न लगे भरावां ने उस समय आरी मंगवाई, कहिण लगे जिहड़ी दरवाजे की चगाठ है ना यह वढ दिंदे आ, इहदी लत्त अड़दी है ना। ते जिहदे बाबत कहिंदा सी कि मैनूं बड़ा नेह प्रेम करदी है, वह कहिण लगी काहदे लई नुकसान करदे हो, ये तो चढ़ाई कर चुका है, मर गया है, हुण इहदियां लत्तां रख के की करनियां, जे चगाठ ना वड्डो इहदी लत्त ही झाड़ दो। उस समय तत्सिन सारा ही जिहड़ा ज्ञान सी उह आया, भाई कोई तेरा अपना नहीं। उस समय उठ के बैठ गया, कहिण लगा नहीं भाई जो गुरु साहिब जी कहिंदे उहो ही चंगा, नाम अभ्यास ही करना चंगा है। भगत कबीर जी भी इत्थे समझा रहे ने, कहिंदे जिन्ना बड़ा नेह करदा है ना, जिहड़ा कहना है कि मेरी मरण जीवन की साथी है, कहिंदे ड्योढ़ी तक जरूर तेरे नाल आवेगी, उत्थों अगे जी आगे सज्जन सुहेला। कहन लगे फिर महाराज अगे कौन, कहिंदे फिर अगे तेरे सज्जन तेनूं मोढ़िआं ते चुक के तुर पैणगे, जिहनूं आपां पढ़दे आं वेखो बंदा चलिया चौं जणिआं दे कन्न, ओह फिर जिहड़े तेरे सज्जन हन अगे तेनूं नाल चुक करके तुर पैणगे। ते इह कहन लगा महाराज फिर गल बण गई ना कोई ते मेरे नाल निभिआ ना, ठीक है न्याणियां ने माया दौलत धन जिहड़ा उह पकड़ लैणा कीता, उहनां नूं मैं चंगा ना लगा, धर्म पत्नी दरवाजे तक आई उह मर्यादा दी मारी विचारी बह गई, मेरे सज्जन ते मेरे नाल तुरे, कहिंदे चंगा भाई उहदी अवस्था भी तैनूं दस दिंदे हां। मर कट लओ सब लोग कुटंब भयो, कहिंदे बिलकुल मर कट मरिया होयां दी थां जिहड़ी है, कहिंदे बिलकुल भाई उत्थों तक ते सारा कुटंब सारे सज्जन सारे रिश्तेदार मित्र उत्थों तक तेरे नाल जरूर आए ने, जिन्ना चिर तेनूं दफना नहीं दिता, जिन्ना चिर तेरे शरीर नूं साड़ नहीं दिता, जिन्ना चिर तेरे शरीर नूं जल प्रवाह नहीं कर दिता गया, कहिंदे उन्ना चिर सारे नाल ही आए ने, किसी सज्जन ने नहीं किया, उत्थों तक तेरे नाल आए ते फिर आण करके तीले जे गट के ते तोड़ के कह दिता जतर आया ततर गस्ती, जिधरों आया है उधर नूं तुर जा हुण भरावा साडे मगर ना आवीं। इत्थों तक कही कहिंदे ने जान लग्या पापे नूं आवाज़ मार लवो, सो घरों भी आवाज़ मार के तुरदे आ कि किते इह ना होवे शरीर लै जावो ते बापू घरे बैठा रह जावे, इहो जी अवस्था कहिंदे बिलकुल भाई ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗਏ। ਆ ਗਏ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਸੱਜਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਰਹਿ ਜੇ ਤੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਜਦੋਂ ਟੂਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸੈਂ ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਊ ਕਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਇੱਥੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਦਿਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਜਦੋਂ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਮੜੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਮਰ ਕੱਟ ਲਓ ਸਭ ਲੋਕ ਕਟੰਬ ਭਇਓ, ਆਗੈ ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨਹੋ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸੋਹੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨਾ ਕਰ, ਪਰੇ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸ ਕੂਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਾਲ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਖੂਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਤੂੰ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਬੰਧਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸੰਭਲ ਜਾ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭਾਈ ਮਿੱਤਰ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿਉਂ ਨਲਨੀ ਭ੍ਰਮ ਸੂਆ, ਸੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਲਨੀ ਨਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਸੋ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਗੱਡ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨੜਾ ਬੰਨਦੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟਾ ਰੱਖਦੇ ਨੜੇ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਨੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਰ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੋਤਾ ਨਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨੜੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੂਧਾ ਹੋ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਟੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਨੜੇ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਬਰੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਿਆ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪੀ ਦੋ ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪੀ ਨੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਤੋਤਾ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਭੋਗ ਰਸ ਰੂਪੀ ਅਨਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੜੇ 'ਤੇ ਚੱਲਿਆ, ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਪਦਾਰਥਾਂ ਰੂਪੀ ਜਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲੱਗਣੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੈਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਓੜਕ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਸੀ ਤੋਤੇ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਉਸਨੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਤ ਰੂਪੀ ਫਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਤੋਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਲਨੀ ਨਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸੰਭਲ ਜਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਫਿਰੇਗਾ, ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਓੜਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਜ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਨਾਮ ਜਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਾਵਨ ਕਥਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਓ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਸੋ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਮ ਦਾਸ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਕੂਫ ਅਤੇ ਬਸਮਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੋਹ ਤਿਆਗ ਦੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਦੁਆਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਢੰਗ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ ਰਾਮ ਜਨਾ ਮਿਲ ਭਇਆ ਆਨੰਦਾ। ਜੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਨ ਸੇਵਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਰ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿ ਨੇਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਵੇਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੀ ਆਨੰਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਦੂ ਦੀ ਛੜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਭਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਿੱਖਾ ਹਰ ਨੇਕੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਏ। ਉਹ ਹਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੱਖਣਾਂ ਦੀ
कथा है, जिवें वो अपने भगतां ते बख्शिश करता है, किवें भगत वचलताई करता है। वेख जदों उन्हां परमेश्वर दे प्यारियां दे पास बैठे, मन ते डोलदा सी, मन कहिंदा सी खबरे रब बौड़े ते ना बौड़े। संसारियां दे पास बैठ बैठ करके मन दी ये अवस्था बन गई सी, मन ये कहन डै पिया सी ना पहु एवें गल्लां ही ने, रब की पता बौड़े ते ना बौड़े, पता नहीं रब रखिया करदा ते नहीं करदा। पर जदों परमेश्वर दे प्यारे हरि के जन जिहड़े परमेश्वर दे साधु महात्मा हन उन्हां दी संगत विच गए, उन्होंने परमेश्वर की श्रेष्ठ नीकी कथा सुनाउणा कीती। गुरु क्या सिखा वेख उन्हें भगत ध्रुव की रक्षा की, बालक अवस्था विच बंदगी करन वाले दी। वो परमेश्वर वाहिगुरु ने भगत प्रहलाद की रक्षा की हरनाखी दे पासों। वेख जिहड़े उहदे हो गए ना बाबा मरदाना साहब जी, जे उन्हां दे होए ते कृपालू जी ने बलदे होए कड़ाए विच विचों जा करके बचा के रक्षा की। वली कंधारी वर्गियां दा हंकार तोड़न वाले हन, जे सज्जन ठग वर्गे मिले उन्हां ते बख्शिश की। होर तैनू दसीए गुरु के प्यारे सेवक एवें नहीं, नीकी कथा है कि श्रेष्ठ कथा की सुना करके मन बज गया। की होया कि मन ने यह कह दिता कि मेरा गुर रखवाला होवा। ये अवस्था बनी कदों, जदों श्रेष्ठ नीकी कथा गुरु के प्यारियां ने सुनाई। प्यार वालिया तैनू दसीए जे गुरु की कथा सुनना चाहुंदा है ते गुरु के प्रेमी सिख साहिब बाबा बिधी चंद जी पठ विच बैठ गए, गुरदेव जी ने सेक नहीं उह लगन दिता, ऐसे सतगुरु साहिब हन। गुरु साहिब जी कृपा करन ते आए, जे किसी ने गुरु के सिख दियां अखां कढ़न दा यतन कीता गुरु साहिब जी ने रखिया कीती। वेह गुरु क्या सिखा मक्खण शाह लबाणे ने सो समुंदर विच किते अरदास कीती ते उहदा बेड़ा बन्ने लाउण वाला गुरु तेरा बेड़ा बन्ने क्यों ना लावेगा। गुरु क्या सिखा सिख ने बेनती कर दिती, मैं जी गरीबड़ा जिहा हाँ। मक्खण शाह लबाणा जी वड्डे ते उच्चे बड़े उन्हां दे वड्डे कारोबार सन, गरीबां दी वी रखिया करदे ने। हाँ भाई तैनू दसदे हाँ, सैदा मला गरीब जिहा सी विचारा, मेरे कलगीधर प्रीतम चोजी सतगुरु साहिब उहदे कोल गए, कल्ला उहनूं नहीं तारिया, उहदियां 21 कुल्लां तार करके घर नूं आए, तेरे ते वी कृपा करनगे। जदों इह नीकी श्रेष्ठ कथा परमेश्वर दे प्यारियां पासों सुनी, फिर भाई आनंद की प्राप्ति हो गई जी। गुरमत मैल गई सब निकल, सो महाराज मेरी ते भैड़ी बुद्धि बड़ी है, बड़ी बड़ी माड़ी मंदी मत है। कहिंदे जदों ये कथा सुनेगा ना उदों ये जिहड़ी भैड़ी बुद्धि दुरमत मैं सो मत जिहड़ी सी सारी नास हो गई, मैल निकल गई पासे जी। सत संगत मिल बुद्ध पाई, पर बुद्धि कित्थों प्राप्त होई जदों सत संगत, सत संगत कैसी जानिए। सो ओ संगत की है, एको नाम बखाणी, एको नाम हुक्म है नानक सतगुर दिया बुझाए जियो। जिथे एक नाम परमेश्वर वाहिगुरु दी विचार होवे ओ सत संगत, जदों ओ सत संगत दी प्राप्ति होई उदों मिल करके संगत नू मिलने ते बुद्ध प्राप्त होई जी। सो खै ते को संगत भी जिथे बुद्धि दा नास होया सी, पर जदों सतपुरखां दी संगत प्राप्त हो गई उदों बुद्धि जिहड़ी आत्म विछैणी हो गई जी। राम जाना गुरमत राम बोलाए, होर दसो जी अपने प्यारियां दे गुण ओह की करदे ने। कहिंदे जिहड़े राम दे जन ने ना परमेश्वर वाहिगुरु दे, सो ओह की करदे ने, राम जन गुरमत राम बुलाए। कहिंदे परमेश्वर दे प्यारे आप भी जपदे ने ते होरनां नूं वी वाहिगुरू वाहिगुरू सिमरन अभ्यास विच ला दिंदे, आप भी राम दे गुणां नूं गाउंदे ने, होरनां नूं वी कहिंदे गुरु क्या सिखा तूं वी गाया कर। ये ओह वाले नहीं जिहड़े कन्न च फूक मार के कहण के अगे किसे नूं दस्सिया ते तेरी जबान सड़ जावेगी। ये ओह ने जिहड़े आप जपै अवरह नाम जपा, आप भी जपदे ने, दूजियां ने जाके बेनती की महापुरखो तुहाडे ते बड़ी कृपा है साढ़े ते कृपा कर दवो। कहिंदे लै भाई माला पकड़ लै, वाहिगुरु मंत्र दा अभ्यास करिया कर, साढ़े ते इस वाहिगुरु मंत्र ने कृपा कीती है, आपो कोई कृपा नहीं होई। जिस परमेश्वर ने साढ़े ते कृपा कीती वह तेरे ते भी कृपा करेगा। आ असी भी नाम जपदे हाँ, तू भी जपया कर। जो जो सुने कहा सो मुक्ता। अच्छा महाराज जे भला असी नाम जपन लग पीए, फिर कहिंदे जेड़ा कहेगा
जेड़ा सुनेगा भाई वह मुक्त हो जाएगा। राम जपत सोहाए, परमेश्वर का नाम जप करके सोभा वाला हो जाएगा जी। रहाउ बस राम दे के बख्श करते हैं। जीवड़ भाग होवे है मुख मस्तक, महाराज जी ये नाम की दात मिलती किन्ना नूं, कहिंदे जिन्हां दे मस्तक ते वड्डे भाग परमेश्वर वाहिगुरु वल्लों उकरे होण जी। हर राम जना भेटाए, कहिंदे ओह परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत चाहुंदा, एवें संगत नहीं मिल जांदी। एवें नहीं कि परमेश्वर दे प्यारियां दी संगत हरेक किसे नूं मिल जांदी होवे, नहीं भाई। जिहड़ा परमेश्वर वाहिगुरु दे प्यारे जिहदे मस्तक दे भाग चंगे जान लैण, उन्हां ते बख्शिश करके अपनी संगत विच मेल लैंदे हन। दर्शन संत देहो कर कृपा, कहिंदे फिर महाराज जी की करिए, कहिंदे अरदास करिया करो कि हे परमेश्वर दे प्यारियो कृपा करके सानू अपने दर्शन देना करो। सब दालद दुख लह जाए, कहिंदे की होवेगा महात्मा दे दर्शना नाल, कहिंदे जिन्ने दलिद्र हन जिन्ने दुख हन सारे लह जाणगे नास हो जाणगे जी। हर के लोग राम जन नीके, जेडे हरि परमेश्वर वाहिगुरु दे लोग कहो जे ने, कहिंदे भाई नीके श्रेष्ठ हन, जेडे आप नाम जपते ने होरना नू जपाउंदे ने उन्हां नालों चंगा कौन हो सकता है जी। भागहीन ना सुखाए, ते महाराज जेडे उन्हां दी संगत च नाम मिलते ने जेडे उन्हां दी निंदिया करते ने, कहिंदे भागां तो हीणे ने, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कहिंदे उन्हां नू उह सुखाए चंगे नहीं लगते। परमेश्वर दे प्यारियां च वी औगण कढ़दे फिरदे ने, उन्हां दे विच वी दोष आरोप करके निंदिया करन दा जतन करदे हन। ज्यों ज्यों राम कहे जन ऊचे, महाराज उन्हां नूं की दुख लगदा, कहिंदे जिवें जिवें परमेश्वर वाहिगुरु दे प्यारे उच्ची उच्ची राम वाहिगुरु दे गुणा नूं कहिंदे हन। नर निंदक डंस लगाए, कहिंदे निंदकां नूं डंग वजदे ने, जिवें भाई किसी नूं डंग वजिया होवे ते तड़फदा है ना, एवें परमेश्वर वाहिगुरु दे प्यारे जिवें जिवें उच्ची उच्ची नाम सिमरन अभ्यास करते हैं, जेडे निंदक हैं उन्हां नूं मानो डंग वजदे ने डंग। आ वेख लो कईआं नूं वजदे ने ना, सारी रात टीवी वेखते रहन, कोई बीमारी नहीं, ते अमृत वेले भाई साहब जी ने स्पीकर ला दिता, कहिंदे इहदी थाने जाके दरखास्त दे के आवो, सानूं सौण नहीं दिंदा। गुरद्वारा साहब जी दे स्पीकर तो एलर्जी है, कहिंदे गुरद्वारा साहब तो पढ़ती हो पढ़ी जाती बाणी की आवाज़ साढ़े कन्ना च नहीं पैनी चाहिए, सानू दुख देंदी, ये समझो उन्होंने डंग वज रहे हैं। ये गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का फरमान है, जिवें जिवें हरि परमेश्वर वाहिगुरु के प्यारे उच्ची नाम जपते हैं उन्होंने डंग वजदा डंग। वो बेवकूफ आम ही कह देंगे, कहिंदे एक तो भाइयों ने बड़ा तंग किया, यो ही नहीं सौण देंगे, जदों सौण का टाइम होंदा ये उच्ची उच्ची बोलन लग पैंदे ने। उन्हां नूं मानो कि डंग वजदे हन, वह भागहीणियां नूं, वह मनमुखां नूं, नास्तकां नूं जी। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, कहिंदे महाराज फिर उन्हां दा की, कहिंदे त्रिगाकार है, त्रिगाकार है ऐसे मनुखां निंदकां दे जीवन नूं, जिन्हां नूं हरि परमेश्वर वाहिगुरु दे प्यारे नाम जपदे चंगे नहीं लगदे जी। हर के सखा सखाए, ओह ते हरि परमेश्वर वाहिगुरु दे सखे हन, ओहदे अपने प्यारे हन, पर त्रिगाकार है जिन्हां नूं उन्हां दे गुण चंगे नहीं लगे जी। से हर के चोर वे मुख मुख काले, महाराज फिर इन्हां दा की होवेगा, कहिंदे हरि परमेश्वर वाहिगुरु दे दर दे चोर हन, से तस्कर जे नाम ना ले ही। वो चोर कौन चोर हन जेडे परमेश्वर वाहिगुरु का नाम नहीं जपते। आ स्वासा रूपी पूंजी परमेश्वर ने नाम जपन लिए दिती सी, ते जेडे मेरे वर्गियां ने वकारां ते ला दिती, महाराज कहिंदे ये चोर हन, ते इन्हां दे अगे जा करके जम राजे दी दरगाह विच मुख काले कीते जाणगे जी। जिन गुर की पैज ना पाए, जिन्हां नूं गुरु की पैज पाए पाउंदी नहीं है जी। दया दया कर राखो हर जीओ, सो महाराज की करिए, कहिंदे गुरु कै सिखा अरदास करिया कर, हे हरि अकाल पुरख वाहिगुरु अपनी दया करके
अपनी रहमत करके साडी रखिया करना कर। हम दीन तेरी शरणाए। धन सतगुरु साहब जी, असी आप जी दे गरीब हो करके आप जी दी शरण विच आए हाँ जी। हम बारिक तुम पिता प्रभ मेरे। महाराज जी, असी हाँ आप जी दे बालक बच्चे, तुसी हो साडे पिता, ते असी बेनती करना है हाँ राम अय्या, हाँ बारक तेरा काहे ना खंडस अवगण मेरा। हे गरीब नवाज जी, आप कृपा करके साडे अवगणा दी विचार ना करो, असी आप जी दी शरण विच हाँ, गरीब हो करके आप जी दे बालक बच्चे हाँ जे। जन नानक बख्श मिलाए। आप कृपा करो बख्शिश करके अपने प्रेमी महापुरखां दी संगत विच सानू मिला देना करो, तां जो साडी भी अवस्था बन जावे लोक सुखिए पर लोक सुहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले। ये बख्शिश सतगुरु साहब जी ने हुक्मनामा साहब जी दे रूप विच ते पावन गुरबाणी दी लड़ीवार कथा दे सरूप विच आप अपने सारयां दे उत्ते कीती है। धन सतगुरु साहब जी दी पावन गुरबाणी दी कथा करदे आं। एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुल्लां होईयां हन। सतगुरु साहिब ते गुरु की संगत बख्शनहार है जी, बख्श लैणियां जी, अगाह तो समत बख्शनी जी, देहो सज्जन आसीसड़ियां जो होवे साहिब सिओ मेल, लेखे कते न छुटिए खिण खिण भूलन हार, बख्शन हारा बख्श लै नानक पार उतार। खालसा जी चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो, ताकि साड़ी कथा कीर्तन की हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।